वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, और क्यों ना हो, विघ्नहर्ता जो आ रहे हैं हम सब के घर। आप सब ने मेरे पिछले वीडियोस तो देखे ही होंगे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं अपनी गणेशा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए गणपति विसर्जन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगी कि जिन तरीकों से आज तक हम विसर्जन करते आए हैं उनसे हटकर हम कुछ इको फ्रेंडली वेज को अपनाएं, ताकि हम सब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के महत्व को समझें और इको फ्रेंडली वेज को अपनाएं, ताकि हम अपनी अर्थ को इससे होने वाले पॉल्यूशन से बचा सकें। For this, we can buy eco-friendly idols like clay and other biodegradable materials. I feel clay idols is the best option because it dissolves immediately in the water. ताकि आप घर पर मिट्टी की ही मूर्ति को लाएं या उसे घर पर खुद से बनाएं और उसकी स्थापना करें और उसके बाद उसी का विसर्जन करें, ताकि उससे होने वाले पॉल्यूशन से हम बच सकें। या फिर आप घर पर ही बकेट में विसर्जन कर सकते हैं और उसी मिट्टी को प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांटर्स में। या फिर आजकल मार्केट में इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां अवेलेबल हैं, जैसे कि सीड गणेशा, जो कि आप जब आप उसे घर में लाते हैं उसके बाद आप उसको पूजा करने के बाद 11वें दिन जब आप उसका विसर्जन करना होता है, आप उसे प्लांट की तरह अपने घर में लगा दें और उसे जल दें तो वो बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उसकी। तो ये वही बात हो गई कि आपने विसर्जन नहीं किया परंतु आपने उसे अपने घर पर स्थान दिया, जो कि एक पेड़ की तरह ग्रो हो गया आपके घर में, तो वो भी एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। जिस मूर्ति को हम विसर्जित करते हैं वो मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस या इस तरह के दूसरे टॉक्सिक मटेरियल से बनी होती है, तो वो हमारे पानी को, हमारे नदियों को, हमारे जल को दूषित करती है। तो हमें इस तरह के तरीके ढूंढने चाहिए कि एक तो हमारे पॉल्यूशन नहीं हो, ताकि जो हमारे रिचुअल्स हैं वो भी परफॉर्म हो जाएं और हम अपनी धरती को भी पॉल्यूट नहीं करें। तो अब चलिए कुछ स्टाइलिंग देख लें, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब हम गणेश जी को घर पे लाते हैं तो हमें उसे कैसे डेकोरेट करना चाहिए। चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने दो बांधनी स्टोव्स लिए हैं जो मेरे पास ऑलरेडी रखे थे, और उनको मैंने विंडो पे इस तरह से लगाया टू डेकोरेट द बैकग्राउंड। अब मैंने मंदिर, जो कि मैंने एक रिस्टोर्ड कबर्ड में बनाया है, वो तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक इट टू। चलिए वापस आते हैं। इस पर मैंने एक बेबी लहंगा चोली दुपट्टा को रीयूज़ किया एज अ रनर। उसके ऊपर डिज़ाइनर गिफ्टिंग ड्राई फ्रूट ट्रे, जो कि गोल्डन इन कलर है, उसे यूज़ किया एज अ बेस फॉर गणपति एंड लक्ष्मी आइडल्स। बैकग्राउंड में मैंने अपनी बेटी के द्वारा बनाई गई मंडला पेंटिंग को यूज़ किया और उसके आसपास बाकी की डेकोरेटिव चीज़ें सेट कर दी, लाइक दियाज, बेल एट्सेट्रा। अब एक बॉक्स, जो कि ऑलरेडी मेरे मंदिर में रखा है, उसे यूज़ किया उसके ऊपर कपड़े से कवर करके उसे प्रसाद रखने के लिए तैयार किया। और कुछ फ्लावर्स से डेकोरेट भी कर दिया।
मेरे पास एक सिमिलर सा दुपट्टा और रखा था जिसे मैंने यूज़ किया इस कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए। इस तरह से हमारा मंदिर रेडी हो गया। क्यों, क्या कहना है आपका इसके बारे में? है ना ये अति सुंदर? तो इस तरह से आप घर पर ही रखी कुछ चीजों से अपने मंदिर को एक फेस्टिव लुक दे सकते हैं, बस थोड़े से एफर्ट से। इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली फेस्टिव लुक फॉर योर टेंपल, व्हाट डू यू से? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my channel, and don't forget to press this bell icon. Till we meet again, stay safe, stay healthy, and be happy. Bye bye.